coffee in. सर गुम हो तो मत, हम भी डर लेंगे। पिंकी मैम प्रैक्टिकल कर लो। सर कर लेंगे अभी, एक सेकंड। वाली बात कर रहे हो ना आंटी जी वाली? अरे कर लेंगे अभी, एक बार देखने तो दो, फिर भूल जाते हैं। आप तो देख देख के काट लेंगे। वीडियो से ऐसा समझ लो, ज्यादा अच्छा। ठीक है, याद रह जाता आपको। पहले मिडल ये करना है, जीरो पे बाल इतने लेना है, बिल्कुल बीच के। हाँ मिडल लेना है और जीरो पर करना है। जीरो पर करना है। और कम करो। हाँ और कम कर दूंगी। स्ट्रेट कट, ईयर टू ईयर पार्टिंग एंड बैक साइड थ्री पार्टिंग। ऐसे कैसे इतना कम करो से? हो गया। अब इसका हाफ कर लो और इस साइड ले लो। इसका हाफ और फिर किस साइड? इधर वाले बालों में। और इसे ना इस स्ट्रेट में काटना है। ये आपकी लाइन है रही मिडल में रखे स्ट्रेट। हाँ पहले वाली जो लाइन है आपकी उसी पे मिलाना है सर। हाँ हाँ। उसे स्ट्रेट करना है, उसी पे मिलाना है ना। जो पहली लाइन है हाँ, सेकंड वाला भी ऐसे ही सेकंड पार्ट। अब इस साइड जा चले जाओ। स्ट्रेट तो हम सीधे करके ऐसे कट कर देते हैं। हाँ वो तो मैं किसी को कराने हो तो कैसे ही करें। पर चलो अच्छा है, कोई नया नया सीखने में मिला। सर दिखाओ सर। अच्छी गाइडलाइन देख रही है। हाँ पहला अब उसी के अकॉर्डिंग एक सेक्शन और लेना है, फिर लेना है नीचे और फिर लेना है। जो लाइन तुम ऐसे कर रहे हो ना, ऐसे ऐसे कर दो, वो कभी नहीं आएगी। वो कभी नहीं आएगी। या फिर किसी की लाइन का तुम ट्रेसिंग करके स्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है, और तुमने ऐसी नॉर्मली सीजन मार दी, वो प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेट होगा। जब उसका वैसे होगा ना बेबी है वगैरह, वो अलग ही दिख रहा है। इसलिए काम पहले से ही जीरो से करके चलो। इससे तुम्हें दो चीजें पता चलती हैं, एक डिग्री और दूसरा गाइडलाइन। हाँ जी पिंकी जी, ये भी सर हमें डिग्री एक बार समझा देना अच्छे से। ये तो है जीरो डिग्री का, जो नीचे पे थोड़ा ऊपर उठा भी जाएंगे डिग्री या बढ़ जाएंगे। अब आपको ऐसे ही प्रोसेस करना है। अच्छा इसमें भी गाइडलाइन देनी है सर? हाँ नीचे वाला बाल ये रहा आपको। अच्छा उसी पे लग रहा है। दिख रहा है सर। तो आप इतना ही कट करोगे पहले बीच से, फिर इसमें भी ऐसे ही करते हैं पार्ट। हाँ। जैसे नीचे करते थे। हाँ जी। अब इसका आप हाफ लोगे इधर आओ। काटने बिल्कुल सामने है, इस साइड नहीं जाना। जिस साइड हेयर है उसके स्ट्रेट लेवल में। ये आपकी गाइडलाइन दिख रही है, दिख रही है? तो कम बाल है और ये एक्स्ट्रा बाल है, तो एक्स्ट्रा बाल वो निकालना है।
सपने में मारा है समझ में? सब सही तरीका यही है। सबसे पीछे बैठे हो, देखो ये मेरी गाइडलाइन है और ये मुझे स्ट्रेट करना है। अब थर्ड सेक्शन आ गया मेरा, सबसे हार्ड होता है स्ट्रेट हेयर का। लेयर को कोई भी डाल दे, लेयर को कोई भी डाल दे, आपने इस तरह से क्या उठाया और कट कर दिया तो ऊपर का बाल छोटा दिखा। नहीं ये नहीं हो पाएगी थर्ड इसमें, क्योंकि ऊपर के बाल छोटे हैं छोटे हैं। और उसमें एक आधा बाल लंबा हुआ, एक आधा बाल लंबा हुआ उसमें, तो ट्राई हम पूरा करेंगे, ट्राई हम पूरा करेंगे। कहां से करेंगे यार, इसमें बाल ऊपर जा रहे हैं इसके। नीचे आते आते बाल खत्म हो रहे, लेकिन पहले तो ये कट करे, शायद उसमें कोई एक्स्ट्रा रह गया हो। हाँ वो लगवाते हैं तो फिनिशिंग चली जाएगी उसमें, ट्राई हम पूरा करेंगे। मतलब तीनों को ऐसे ही लेना है, पहले बीच का, मिडिल फिर साइड का। अब ये डमी का बाल है, ये तो छोटा ऊपर का, प्लान के बाद शायद पूरा। देखो ज्यादा करवा रहा है तो भी हम जीरो पे ही करेंगे। स्ट्रेट हेयर कट मात्र एक ऐसा हेयर कट है जो जीरो पे, जीरो पे ये आपने इतने निकाले, ठीक है। हाँ। अगर क्लाइंट चाह रहा है कि मुझसे इतने निकलवाने हैं, निकालने तो ज्यादा है, लेकिन स्ट्रेट ही हेयर कट चाह रहा है ना, तो जीरो पे ही करो, कट उसको ज्यादा करो, कट ज्यादा करो। अच्छा ये तो हमें डमी भी बचानी है, मतलब नीचे से डमी भी बचानी है, आगे हेयर कट भी करने कर दे पानी। हाँ बहुत मतलब अभी ठंडा। देखो आप बोल रहे हो ना पुराने बालों में नहीं है, ये कैसा आया? पता कभी कभी ऐसा होता है, मैं मेकअप के बारे में अननोन हूँ, लेकिन मैंने बहुत देखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने फुल मेकअप कर लिया, क्लाइंट जाने वाला है, फिर भी आपको ये लगता है यहाँ बस ये होता है, ये शायद है गया। उसमें बोलते हैं ब्लेंडिंग, जब तक फिनिशिंग नहीं आती ना, आपको खुद के मन में रहता है कि यार अभी नहीं आई। बैक हो गया, अब फ्रंट से किस तरह से लेंगे स्ट्रेट में, इसका हाफ पार्टीशन लेंगे, ईयर टू ईयर पार्टिंग का। हाँ ईयर टू ईयर पार्टिंग का हाफ पार्टीशन लेंगे इस तरह, और उसे बैक साइड लेंगे। बैक साइड कभी भी स्ट्रेट हेयर कट ईयर टू ईयर के सामने नहीं होता। जैसे सपोज मैं ये वाले काट रहा हूँ तो इधर काट दूं, यू आ जाएगा, बैक साइड लेके काटना है ऐसे करके, और उसी में मिला देना है, उसी में मिला देना है। ठीक है ये ले लिया, अब इधर से भी ले लिए, ठीक है हमें पूरे तीन तो पहले भी तो काटा ही था, हमें सब तीन सेक्शन निकालने ना, तो फिर इधर के निकालेंगे, फिर दोबारा इधर के निकालेंगे, तो अभी इजीली ये है कि इधर से भी ले लो,
अब इसमें तीन पार्टिंग ले लो वैसी जैसे आपको बताया वैसे इसमें तीन पार्टिंग ले लो। फिर से तीन करने हैं? करना तो तीन ही पड़ेगा ना, इस साइड फिर उस साइड फिर इस साइड। पहले मेरे गाइडलाइन लेने के लिए तो राइट और फिर लेफ्ट, ये रहा ये फ्रंट का हेयर जो एक्स्ट्रा आ रहा है और बैक का ये छोटा दिखाई दे रहा है। मैं तो सिखा देता लेकिन फिर तुम VLCC जैसे अकेडमी में जाते और वो कुछ बता देते ऐसा तो फिर तुम कहते हैं तो बनाया हाँ, जैसे हम कहते हैं ना एक से एक कलर आ रहा है, चाहे वो खुद गलत बता रहा है लेकिन वो दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं। प्रकाश सर को कहते हो ये कह रही है जैसे प्रकाश सर को कहते हैं देखो फ्रंट वाला बाल है कितना निकल रहा है बताए ना जो सैलर्स के उसमें बहुत अच्छा स्किन के बारे में तो हम देखो ये फ्रंट वाला बाल जो इतना एक्स्ट्रा निकल रहा है तो स्ट्रेट अगर आप उसी साइड करोगे तो उस साइड क्या होगा छोटा हो जाएगा, जब आप इधर करोगे और पीछे करोगे तो यू शेप आ जाएगी। हाँ तो आपको पीछे करके काटना है सभी बाल पीछे करके काटते हैं स्ट्रेट हेयर कट साइड से नो कट करो तीनों ले लो अभी आगे के लिए सर आगे के दो में लेंगे ना तीन आगे के भी तीन बार में जाएंगे नहीं आगे के भी आप पीछे लेंगे हाँ दो पार्टीशन होंगे अब आगे वाले के देखो ये कितना एक्स्ट्रा निकल रहा है ये फ्रंट वाला है वाले अभी हम सारे वाले लेंगे इस साइड भी और उस साइड भी और बैक साइड ला गए उसी तरह से हेयर कट करेंगे और कोई कोई क्लाइंट होता है ना कि मुजफ्फरनगर या मुरादाबाद जा रहे कहीं का है और वहाँ पे स्ट्रेट हेयर कट कराया कि हम लोग शादी में जा रहे हो गाड़ी वाला वहीं पे प्रेसिंग करा लेंगे प्रेसिंग जब करी तब ऐसे आ गया तो वो क्या करा उन्होंने गीले बाल करे खूब ज्यादा कॉम करा ट्रेन चला सी भी जब प्रेसिंग करी तो सारी कमियां पता लग गई उन्हें लेके आओगे तुम एंजल ब्यूटी को उनका हेयर कट सिखाऊंगा ब्लेंडर को हाँ डमी पे तो मैं तीन ही सिखा रहा हूँ तीन अलग सिखाऊंगा मैं बताता हूँ तीन ये सिखा रहा हूँ यू स्ट्रेट और बी और तीन अलग सिखाऊंगा जैसे रेजर का तुम्हें पता लग जाएगा इसमें स्टेप का पता लग जाएगा लेयर का पता लग जाएगा ठीक है बाकी दो हेयर कट हो गए वो तुम्हें लाइव दिखाऊंगा और फिर उसके बाद तुम अगर किसी को लाना चाहो तो प्रैक्टिस करो ये डमी पे कर ले ये डमी पे नहीं हो पाएगा ना क्योंकि वो मशीन वाला हेयर कट होगा सिंगल वाला कैसा स्वेंड का करना सही है पता है जब मैं कंप्लीट इज स्ट्रेट हेयर कट सभी वालों को पीछे ले जाकर स्ट्रेट वे में कट करें।